ए ला फटाफट, धक्का मार के लाना, इसके बाल निकाल दे। ए, इधर सब सही तरीके से खड़े रहना। ये चक्कर क्यों आ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हम लोगों को लाइन में क्यों खड़ा किया? अरे बाप रे, इन सब के सर क्यों मुड़े हुए हैं? नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। बहुत होशियार समझती अपने आप को। चल पहले तेरा इलाज करते हैं। चल चल डॉक्टर, पहले इसका इलाज कर, बहुत जल्दी है इसे। हाथ बांध इसका। बहुत खूबसूरत है ना तेरे बाल? ये बाल हमें दे दे लड़की। तीन साल हुए सर, 3 साल। अभी तक रुनिता को कुछ पता नहीं चला। मुझे आज भी वो दर्दनाक रात याद है जब वो कुंटे उसे उठाकर ले गए थे। सर कहां कहां नहीं ढूंढा उसे, क्या 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 नहीं किया मैंने। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है कि मर गई। मगर अजय, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जाकर देखूं कि अपनी बहन कहां पर नौकरी करती है, क्या काम चलता है वहां पर? की सर, मैंने बहुत कोशिश की। जब भी उसे ऑफिस के बारे में कुछ पूछता था वो हमेशा बात को टाल देती थी। सर उसने मुझे कभी उसके ऑफिस आने भी नहीं दी। फिर मैंने भी सोचा कि ज्यादा दखल देना अच्छी बात नहीं। बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी गलती की। वहां पर गैर कानूनी काम चलता था, गैर कानूनी, और तुम्हारी बहन वहां पर नौकरी करती थी। मैं कुछ समझा नहीं सर, बाद में समझाऊंगा। रुनिता का कमरा कहाँ है? यही है रुनिता का कमरा। अब तो बस यादें बची है। अजय, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो हम रुनिता का ये कमरा चेक करना चाहते हैं। प्लीज सर। थैंक यू। देखो कोई डायरी वगैरह मिलती है क्या?
सर, ये प्रणीता की कुछ तस्वीर है। ये ग्रुप फोटोग्राफ है, इसमें लगता रोनित अपने दोस्तों के साथ है। अजय देखो जरा, जानते हो इनमें से किसी को? इसे जानता हूं मैं सर, इसका नाम डैनी है। अच्छा, क्या जानते हो डैनी के बारे में? नहीं कुछ खास नहीं सर, बस एक दो बार ऑफिस के बाहर मुलाकात हुई थी। रोनिता के गायब होने के बाद आपने इस डैनी से कुछ पूछताछ की थी रोनिता के बारे में? कोशिश तो की थी, लेकिन ऐसा कोई आदमी मिला नहीं जिससे कुछ पता चले। सर हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है सर। कोई बात नहीं फ्रेडी, ये जो ग्रुप फोटो है ना, इसे स्कैन करके देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इस फोटो में से। कार्टर स्ट्रीट पे जितने भी रेस्टोरेंट बार कैफे हैं सबको चेक करते हैं। क्या ये कुल नहीं मापा? क्या देखते हैं? यहां तो सब नशे में लग रहे हैं। काउंटर पर पूछते हैं। उस तरफ टेबल खाली है। नहीं नहीं, हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, हमें कुछ पूछना है एक्चुअली। जी सर पूछिए। कोलनी मापा ये क्या है, आप जानते हैं? ओह कोलनी मापा, सॉरी सर, ये ड्रिंक यहाँ नहीं मिलता सर। ड्रिंक? कोलनी मापा ड्रिंक है? हाँ सर, कॉकटेल ड्रिंक कोलनी मापा, आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ वही वही, तो ये तो आपके यहाँ मिलते नहीं, कहाँ कहाँ मिलेगी कुछ मालूम है आपको? सर ये आपको बाजू वाले बार में मिलेगा। मेरी बात सुनो, हम लोग पता लगा रहे हैं, प्लीज बुलाइए उन्हें। हाँ, कहाँ गायब हो रहे हैं शहर से लोग, सुबह ऑफिस जाते हैं पर शाम को घर पहुँचते ही नहीं, और ना ही उनका कोई नंबर लग रहा है। देखिए हम उन लोगों की तलाश कर रहे हैं और बहुत जल्द उनका पता लगा लेंगे। एसीपी सर को बुलाइए, हमें ये जानना है कि वो कर क्या रहे हैं, आखिर लोगों के गायब होने का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है, बताइए। देखिए मैं आपसे एक बार कह चुका हूँ। प्लीज जरा शांत हो जाइए सर, हमें जवाब दीजिए कि शहर आतंक के साए में पूरा डूब चुका है और लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। हाँ सर, त्योहार के माहौल में खुशी की जगह डर फैल गया आम लोगों में, क्या कर रही है सीआईडी? हम वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं, मुजरिमों को पकड़ने का काम, और इन मुजरिमों को भी हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे, बहुत जल्द। जल्द से जल्द, लेकिन कब तक? गायब हुए लोगों के परिवार बहुत परेशान है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उनकी परेशानी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इन मुजरिमों को पकड़ने का कि दो मिनट में कोई पकड़ा जाए, नहीं, दो दो महीने भी लग सकते हैं, दो दिन में भी पकड़ सकते हैं हम। जाइए प्लीज। एसीपी सर, दो दिन का समय बहुत होता है। एसीपी सर, दो दिन का समय बहुत होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं शहर की हालत कितनी नाजुक हो चुकी है, लेकिन एसीपी प्रद्युम्न ने ये खुलासा किया है कि 48 घंटे में मुलजिम उनकी गिरफ्त में होगा। पंच, हेलो। देखिए एक ही सवाल बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा, आपके सवालों का जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कामों को करें, इज दैट क्लियर? हेलो, अरे एसीपी सर अभी फ्री नहीं है, मैं आपकी बात नहीं करा सकता हूँ, प्लीज बार बार फोन मत करिए। सर माहौल बहुत नाजुक है, लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है। दुष्यंत, लोग अपनी जगह पर सही है, उनका डर भी जायज है, हम क्या कर लेंगे, हम भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, रोनिता के घर से जो ग्रुप फोटो मिला है उसे वापस देखते हैं। रोनिता और उसकी दोस्त हैं। ये गाड़ी बिल्कुल नई लग रही है, जैसे अभी अभी खरीदी गई है, क्या पीछे गाड़ी का शोरूम लग रहा है? हाँ सर, फोटो कार की डिलीवरी के समय का ही लग रहा है। वो डैनी है ना, उसी के हाथ में गाड़ी की चाबी है, कि डैनी ने तो नई गाड़ी नहीं खरीदी। शोरूम का नाम क्या है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। देखो EX से शुरू हो रहा है, EX, फिर उसके बाद में गैप है, फिर है ऑटो, AUTO ऑटो,
ऑटो के बाद में गैप है और फिर गोरेगांव। एक्स गैप ऑटो गोरेगांव एक्स। पंकज जी काम करो, जरा कंप्यूटर पर चेक करो, देखो गोरेगांव में ई एक्स अल्फाबेट से शुरू होने वाले कौन से कार ऑटोमोबाइल डीलर्स है, शोरूम्स है, चेक करो ई एक्स। सर गोरेगांव वेस्ट में एक ही शोरूम सर, एक्सपो ऑटो कार शोरूम। बस तो फिर यही है ये एक्सपो ऑटो कार शोरूम। एक्सपो ऑटो कार शोरूम पता लगाना पड़ेगा इस शोरूम में जाकर, ये गाड़ी किसने खरीदी थी और अगर ये गाड़ी डैनी ने खरीदी है तो डैनी के पूरे डिटेल्स ले लो वहां से। आप सर आपके इंश्योरेंस पेपर्स रेडी हैं? जी जी, आप जब चाहें आ सकते जी शोरूम में। थैंक यू, वेलकम सर। बताइए कौन सी गाड़ी मैं आपको दूं सर? नहीं, हम लोग गाड़ी लेने नहीं आए, जानकारी लेने। कोई बात नहीं सर, आज जानकारी निकाल लीजिए, जब आपको जो मॉडल पसंद आए मुझे बता दीजिएगा। कंट्रोल यार कंट्रोल, हमें आदमी की जानकारी चाहिए गाड़ी की नहीं। हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? सर हमारे किसी स्टाफ के बारे में आपके पास कोई शिकायत आई है क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इस फोटो को ध्यान से देख, इस आदमी ने 3 साल पहले आपके यहाँ से गाड़ी खरीदी थी, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हाँ सर याद आया, ये तो डैनी साहब है और ये गाड़ी इन्हें मैंने ही बेची थी। अच्छा जी सर, इन्हें ये लाल वाली गाड़ी चाहिए थी और इसके लिए इन्होंने हमारे शोरूम में कई चक्कर लगाए थे। ये डैनी साहब की जानकारी चाहिए हमें। जी सर। सुरेश जी सर, 3 साल वाली गाड़ी की डिटेल लेके आओ। ओके सर। डैनी, ये डैनी आरामनगर में रहता है, चल के इसका आराम हराम करते। कॉलिन मोप्पा है हमारे पास, ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? नहीं, पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? घबरा मत, हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए, करोगे? जी सर। ये स्केच देखकर बताइए कि ऐसी अंगूठी पहनकर किसी को यहाँ आते हुए देखा क्या आपने? ये अंगूठी पहनकर एक आदमी आता है साहब, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन है वो आदमी। यार याद करने की कोशिश करो, कौन है? कोई कस्टमर है या कोई और? है तो कस्टमर ही सर। है यहाँ पे? अभी नहीं है सर, वो रात को आता है। ठीक है, जब वो आएगा तो हमको इन्फॉर्म करना है। जी सर, इन्फॉर्म करता हूँ। किसी को बोलना नहीं। जी सर। डैनी, डैनी, सर लगता है डैनी आराम के मूड में नहीं था, इसीलिए हमारे आने से पहले ही रफू चक्कर हो गया। लगता तो ऐसा ही है। सर अब क्या करें, डैनी एक ही आदमी था जो हमें रौनिता के बारे में बता सकता था। एक काम करते, इस घर की तलाशी अच्छी तरह से लेते हैं। टिकट लगती? एक से ज्यादा टिकट के टुकड़े लगते? एक मिनट, लेकिन इन फटे हुए टुकड़ों से कैसे पता चलेगा कि ये टिकट कहां का है? इसे जोड़ के देखते, शायद कुछ पता चल जाए। ये क्या, ये सारी टिकटें हैं अलग अलग तारीख की, लेकिन जगह एक ही है, गोला बाजार।
भाई जल्दी देखो, खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला 20 रुपए दर्जन। भाई सस्ता हो गया, सस्ता हो गया माल। 15 चलो इसी से पूछते। हाँ सर, 15 रुपए दर्जन लेंगे या 20 रुपए दर्जन? हम लोग कुछ लेने नहीं आए, कुछ पूछना था। ओह, कोई घर से भाग गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग CID से। अरे बाप रे, CID? देखो घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस फोटो को देखो और बताओ कि इस आदमी को देखा तुमने? हाँ साहब, मैंने इसे देखा है, अक्सर इधर आते रहता है, लेकिन ये वो आदमी नहीं है जो वो है साहब। ये वो नहीं है जो वो है सर? मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक ऐसा ही एक आदमी इधर आते रहता है, लेकिन उसके दाएं गाल पर घाव का निशान है, पर इस फोटो में निशान नहीं है साहब। दाहिने गाल पर घाव का निशान, ये कैसे हो सकता है साहब? जुड़वा भाइयों वाला चक्कर तो नहीं है, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की तरह? इस फिल्मों के चक्कर से बाहर आओ और ये बताओ कि क्या जानते हैं उसके बारे में साहब। एक लड़की से मिलने आता है इधर, उधर उधर सुनसान में जाकर बात करते हैं। लड़की? हाँ साहब, लेकिन कई महीनों से उन दोनों को देखा नहीं साहब। गाल पर घाव का निशान, लड़की से मिलने आता था सर, ये डैनी है या फिर कोई और? थोड़ी हो सकता है कि ये घाव का निशान उसे बाद में लगा और ये फोटो पहले की हो। अच्छा, उस लड़की का चेहरा तो देखा है ना तुमने? हाँ साहब, अच्छे से याद है। तो ठीक है फिर, चलो हमारे साथ और उसका स्केच बनवा। हो ना हो, ये डैनी सही आदमी नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस डैनी में। और फिर अक्सर वो एक ही लड़की से मिलता है, एक ही लड़की से। क्या क्या चक्कर है इस लड़की का और डैनी का, पता लगाना पड़ेगा। सर, हाँ, ये स्केच रेडी। रोनिता, ये रोनिता है, मेरी बहन सर। रोनिता, तुम्हारी बहन? ये रोनिता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, गणपति बाप्पा, मेरी बहन जिंदा है सर। ACP साहब, मेरी बहन जिंदा है। हाँ, ये तो रोनिता ही है, लेकिन ये 3 साल से डैनी से ही मिलती रही, घर क्यों नहीं लौटी? वो मैं नहीं जानता सर, मेरे लिए बस इतना ही काफी कि मेरी बहन जिंदा है। सर, उसकी कोई मजबूरी होगी बेचारे की। तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो लड़की है? हाँ सर, 100% ये वही लड़की है, मैं कोई बात इतनी आसानी से भूल ही नहीं सकता सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तुम जा सकते हो। अजय, तुम्हारी बहन रोनिता पिछले 3 साल से गायब है, 3 साल से छुपी रही हो तुमसे, और इन 3 सालों में उस डैनी से मिलती रही, और ये डैनी सही आदमी नहीं है। अजय, डैनी सही आदमी नहीं है, बुरा मत मानना, लेकिन अब तो मुझे शक होने लगा है कि कहीं रोनिता इस डैनी के साथ किसी गैर कानूनी काम में तो नहीं लग गई, और शायद इसीलिए तुमसे मिलने आई नहीं वो इतने सालों। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। सर, मैं अपनी बहन को बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ सर। सर, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। चलो, उम्मीद करते हैं तुमने जैसे कहा वैसा ही है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब तो हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा। सर, जैसा कि उस फेरी वाले ने बताया कि डैनी के दाहिने गाल पर घाव का एक गहरा निशान है, जो कि उस फोटो के हिसाब से 3 साल पहले नहीं था। इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा होगा। तो फिर ये तो पता लगाना ही पड़ेगा जल्दी से जल्दी, ये डैनी कहाँ छुप कर बैठा है। अगर डैनी का पता चल गया तो समझ लो रोनिता का भी पता मिल गया, और अगर ये डैनी किसी गैर कानूनी काम में लगा है तो इसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता होगा। कौन सर? ढेंचू फ्रेडी, ढेंचू।
बस ढेचू को इन दोनों के फोटोग्राफ भेज दो, सब पता चल जाएगा। हेलो, क्या? ठीक है सर, बार में एक ऐसा आदमी आया है जिसने बिल्कुल वैसी अंगूठी पहनी है जैसा डिजाइन हमें आन्या के घर से मिला था। वैसी ही अंगूठी जैसा स्केच हमें आन्या के घर से मिला था, तो फिर मिलना पड़ेगा इस अंगूठी वाले से, मिलना पड़ेगा। आओ आओ पकिया, आओ। कैसन हो? बढ़िया हूँ। एक बात बता पकिया, तेरे हिसाब से मेरा लेवल क्या है? लेवल तो समुंदर का होता है भाई, पहाड़ का होता है। आपका लेवल मैं कैसे बताऊँ? समझ गया समझ गया, तेरे हिसाब से मेरा लेवल समुद्र से भी गहरा और पहाड़ से भी ऊंचा है ना? है ना? हाँ तो ठीक भाई, आपने आप गलत समझ गए। अरे तो समझा ना, बोल। सीधे सीधे बोलूं? हाँ। आपका लेवल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। चुप बेवकूफ कहीं का, लेवल इंसान की ऊंचाई से नहीं उसकी पर्सनालिटी से होता है, और मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ ना उतना ही जमीन के नीचे हूँ। क्या बात करते हो भाई? अब छोड़, तेरे समझ में नहीं आने वाला। तू तो ये देख, पहचानता है इसे? सुना है बहुत लफड़ेबाज है ये। ये है इस बार आपका शिकार? हाँ, जानते हो इसे? बोलो। हाँ बोस, जब लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं तो उसकी हवा फैल ही जाती है। बड़ा काम? अब उस कुछ लंबा हाथ मारने वाला है इस बारे। पकिया, जल्द से जल्द इसका पता लगाओ। सर, एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने तामझाम की क्या जरूरत है? वो इसलिए काबिन क्योंकि इसे पकड़ना नहीं है, इस पर नजर रखना है। देखते हैं और कौन कौन लोग मिले हैं इसे। आया वो आदमी? कौन आदमी? अरे वो अंगूठी वाला। सर, वो कोने में पीली टी शर्ट वाला आदमी बैठा है ना, वही है। सर, और क्या लेके आऊं सर आपके लिए? एक और कॉलोनी मोपा लेके आ। सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहने है। उसी ड्रिंक का ऑर्डर भी दिया है, लगता है काफी पसंद है इसे। देखते हैं ये मछली कौन से मगरमच्छ तक ले जाती है हमें। हेलो हेलो, अरे सुनाई नहीं दे रहा, रुक एक मिनट बाद फोन करता हूँ तेरे को। अरे ये तो इधर ही आ रहा है। सर, ये जगह तो काफी महंगी लगती है सर। अरे होने दे, हमें कौन सा पैसा देना, पैसे तो पार्टी ने देना है। तो भाई कितनी देर है? बस 5 मिनट में आ रही है। आ नहीं रही है, जा रही है, चलते हैं। हाँ बोल, क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा कैसा कर सकते हैं वो लोग, उन्होंने पैसे लिए इस काम के, उनको वहीं रुकने को बोल, आ रहा हूँ मैं। देखो भाई,
हाँ मैं हूँ डैनी, पार्के ने बोला तुमसे मिलने के लिए, सुना कोई बड़ी डील है? हाँ डैनी हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन डील क्या है? बताता हूँ डैनी, माल के बारे में भी और दाम के बारे में भी, लेन देन तो पक्की हो जाए उसके बाद। देखो डेशु भाई, अगर काम बड़ा है तो दाम भी बड़ा ही होगा। पहले मालूम तो पढ़ने दे काम क्या है और चीज क्या है। क्या मुंबई के बाहर लेके जाना है कि सीधा देश के बाहर, विदेश? अलग अलग देश का अलग अलग रेट होता है, और जो भी पक्का होगा आधा पैसा काम होने से पहले, बाकी काम के बाद। हम तो तुम्हारा पैसा काम से पहले ही दे देंगे, वो भी पूरा। सीआईडी? हाँ सीआईडी। आप समझे कि डील क्या है? इसका मतलब तुमने धोखा दिया मेरे साथ। धोखा कैसा? मैंने तो नेक काम किया है। डैनी उठो। बेहोश तो नहीं हो गए? ये नाटक तो नहीं कर रहा? ए, उठ। इसे अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी एम्बुलेंस को फोन कर। अभी ठीक हो गया? हाँ? चक्कर तो नहीं आ रहा? थोड़ा सा। कैसे महसूस हो रहा है? अरे मेरी बहन का, अरे कहाँ है मेरी बहन? रोनी से कहाँ है? कहाँ काम किया उसको? बोल। छोड़ो। मेरी बात समझने की कोशिश करो अजय। मुझे कुछ नहीं समझना है। मैं कोई गलत फहमी हुई है? नहीं मुझे कोई गलत फहमी है। मेरी बहन नहीं मिले ना मैं छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इसे पूछताछ हम करेंगे। सर मुझे मेरी बहन चाहिए, इसे छोड़ना नहीं सर। तो बता डैनी, रोनिता कहाँ है? देख इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। तुझे यहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर से उठा के वहां जेल के काल कोठरी में उठा के फेंक देंगे, समझा? सर ना मेरा नाम डैनी है और ना मेरी तबीयत खराब है, मैं तो बस बेहोश होने की नाटक कर रहा था। नाटक क्यों? क्योंकि मैं अपनी पहचान इस दुनिया को नहीं बता सकता। देख डैनी साफ साफ बता, तू क्या ना कह चाहता है? सर मेरा असली नाम विनय है और मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। अंडरकवर ऑफिसर? और ये सब करने का मकसद क्या है? मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और एक केस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मिशन क्या है? इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। रोनिता वो कहाँ है और तुम्हारे साथ कैसे? सर वो भी एक अंडरकवर एजेंट है। क्या अंडरकवर एजेंट? जी। कहाँ है रोनिता? सर इस वक्त वो भी एक सीक्रेट मिशन पर है। रोनिता कहाँ है? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सर मैंने कहा ना मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। देख विनय, 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है, हमारा रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है, वो जान बचा सकती है उनकी, हमारी मदद कर सकती है वो। सर हम दोनों सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालिए। हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है। सर मेरा विश्वास कीजिए उसे कॉन्टेक्ट करना आसान नहीं है। विनय हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोनिता का इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर तुम्हारे पास है जिससे तुम उससे बात कर सकते हो। सर मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। देखो ने, हम नहीं जानते, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, उसे कांटेक्ट कर, एसएमएस कर, फोन कर, कुछ भी कर, हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे उसके सीक्रेट मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं वादा करता हूँ तुझसे। ठीक है सर, सिर्फ आपके कहने पर मैं उसे खबर देता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों ने काम करने से मना क्यों किया? ये यहाँ क्यों आया है? मुझे मारने आया होगा जिससे फोन पे बात कर रहा था। साहब मैं ये सब काम नहीं करते साहब। देखो मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मैंने पैसे दिए इस काम के, तुम्हें काम करना ही होगा। साहब हम आपके पैसे देने के लिए आपको तैयार है साहब, पर हम ये सब काम नहीं कर सकते साहब। रात को चल क्या रहे यहाँ पे? किशोर से जवान लड़ाता है तू? किशोर का काम करने से मना करता है? जिंदा रहना है कि नहीं तेरे को? नीचे रख, नीचे रख। कौन है आप लोग? सीआईडी। अब बता कौन है तू और क्या काम कराना चाहता है इनसे? साहब एक बात तो आपने पूछी नहीं, तू किसके लिए काम करता है? अच्छा बड़ा पुराना खिलाड़ी लगता है तू।
चलो तेरे को इतना पता है तो ये भी पता होगा कि अब चुपचाप जल्दी जल्दी बता दे किसके लिए काम करता है। बोल। सही समझे आप साहब, एक बात और समझ लो, मुझे मारो काटो या गोली से उड़ा दो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। सीआईडी के सामने तो तेरे चाचा लोगों ने भी जबान खोली है, तू भी खोलेगा? साहब कोशिश करके देख लो, मैं दो काम बिल्कुल नहीं करता, एक बॉस से गद्दारी और पुलिस से वफादारी। रिकॉर्ड है मेरा, रिकॉर्ड। अपनी जबान खोल दे, सभी में काट दूंगा, समझो? नहीं बोलूंगा, मार दो मुझको। नहीं नहीं नहीं, इसको इतनी आसानी से नहीं मारना है, इससे काफी कुछ उगलवाना है। कौन है वो लोग जो लोगों को अगवा कर रहे हैं? गिरफ्तार कर लो इसे। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम लोगों की जान बचा ली आपने। क्या इस वैन में? साहब आप खुद ही चलकर देख लीजिए साहब। लाश कहाँ से आई? साहब हमें नहीं पता साहब। साहब हमें हमें कहा गया था कि यहाँ पर कुछ सामान फेंकना है और पैसे देकर गाड़ी में बिठा दिया, पर जब हमने यहाँ पर आकर गाड़ी में लाश देखी तो हमने काम करने से मना कर दिया था साहब। कितने पैसे दिए तुम लोगों को? सर ड्राइवर ड्राइवर ने साहब। कहाँ ड्राइवर? मालूम नहीं साहब, उस किशोर का कॉल आया था और वो हमें यहाँ रुकने के लिए बोलकर चले गया। काफी टाइम हो गया पर वो अब तक आया ही नहीं। और अब वो आएगा भी नहीं। काबिन इस वैन की डिटेल्स निकालो, पता तो चले कौन है वो लाशों का व्यापारी और क्या संबंध है उसका इस खतरनाक गिरोह से जो लोगों को अगवा कर रहा है। सर आपको जो विज्ञापन छपाना है आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्या अखबार में छपना चाहिए? सर क्या है ये? उगता हुआ सूरज, रोमन रेंट, इस तरह का विज्ञापन है ये? देखो आपको जितना बोला है उतना करिए, कल के अखबार में छपना चाहिए। ठीक है सर। रोनीता तू आ गई? गणपति बाप्पा ने मेरे बहन को आज मुझसे मिला है। तेरी तलाश करते करते तेरा भाई थक गया रे, कहाँ गई थी तू? न कोई फोन न कोई खबर, ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। मैं तेरे फर्ज के बारे में कुछ नहीं जानता, तू मेरे साथ घर आ रही है, बस चल। नहीं भैया मैं अभी आपके साथ नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मिशन सफल होते ही अगर मैं जिंदा रही तो मैं घर जरूर आऊंगी। विनय सर आपने इतने जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? रोनीता तुम्हें मैंने बुलाया। रोनीता विनय ने नहीं, मैंने बुलाया था। सर आप लोग? हाँ जल्दी से बताओ रोनीता, उन अगवा किए गए लोगों के बारे में क्या पता चला और है कौन ये किडनैपिंग करने वाले गैंग का लीडर, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, वही जाने की कोशिश कर रहे थे। हम भी उसी में लगे हैं,
बहुत जल्द आ जाएगा हमारे सिकंजे में। जैसे पता चले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर। सर मैं निकलती हूँ। ओके। इतनी नाराज है अपने भाई से, जाते वक्त मिलेगी भी नहीं। भैया गणपति बाप्पा तुझे कामयाबी देगा, अपना ख्याल रखना, जल्दी घर आना। आती हूँ भैया। सर, डंपिंग ग्राउंड पर इन तीनों लाशों को लाने वाली वैन के बारे में कुछ पता नहीं चला, और वैन के सारे कागजात भी नकली हैं। बहुत चालाक है ये खूनी, चुप चुप के वार कर रहा है, लेकिन कितने दिन चुप कर बैठेगा? एक न एक दिन तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा उसे। सर ये किशोर तो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। वो मरने के लिए तैयार है मगर कुछ बताने के लिए नहीं। बताएगा नहीं कैसे पंकज? अच्छी सी खातिरदारी करो, नरम पड़ जाएगा, अपने आप उसका मुंह खुल जाएगा। सर, आप मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि जो 100 लोग गायब हुए थे वो सब किसी न किसी बड़े पेशे से जुड़े हुए थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, तो कोई साइंटिस्ट। सर ऐसी क्या खास बात है इन लोगों में जो ये अपराधी इन्हें अपना शिकार बना रहा है? उनका दिमाग दुष्यंत, उनका दिमाग। इसका मतलब ये मुजरिम इंटेलिजेंट और तेज दिमाग वालों को ही अपना शिकार बना रहा है। आखिर करना क्या चाहता है ये? मैं बताता हूँ क्या करना चाहता था बस। क्या सोलंकी बता। ये देखो, जैसा कि हम देख सकते हैं मुजरिम ने इन तीनों के सर के बाल एकदम साफ कर दिए। मेरे ख्याल से मुजरिम इन तीनों के दिमाग पर अपना कोई खास एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मतलब हमारा शक सही था। एक बात और बस, इन तीनों के सर पर से मुझे खास किस्म का जेल मिला है। ये देखो, और एक बात, इन तीनों के हाथों पर यहां एक खास नंबर लिखा हुआ है और नंबर के साथ एक निशान, क्रॉस का निशान, तीनों के हाथों पर 22, 23, 24 और तीनों के हाथों पर क्रॉस का निशान भी। सालू के साहब, इससे क्या साबित होगा? इसका मतलब है रिजेक्शन बॉस। ये तीनों लोग मुजरिम के एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं थे, और क्योंकि ये तीनों लोग उसके एक्सपेरिमेंट के लायक नहीं थे, इन तीनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वाह रे वाह, जब इन बेचारों के दिमाग पर वो काम नहीं कर सका तो मार डाला इन तीनों को। ऐसे दरिंदे को तो जीने का कोई हक ही नहीं है, इसे तो जल्दी से जल्दी उठाना ही चाहिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? हाँ, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अपना मिशन जल्दी पूरा हो जाएगा। वेरी गुड। तुम्हें पता है मिशन क्या है? हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमें कोई क्यों बताएगा? कुछ लोग अंदर से बात करते आ रहे थे तभी मैंने सुना था। से तो पता नहीं, शायद यही बॉस है। हाँ, किसी ने देखा नहीं है, पर सुना है कि अपने गैंग का जो मेन बॉस है वो सफेद गाड़ी में आता है। एक बार देखना चाहिए ना बॉस को। अरे मरवाओगे क्या? हाँ, जो काम मिला वही करो, आगे का मत सोचो। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये आदमी है कौन। एक मिनट, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। Thank you.
किसी को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ? नहीं बॉस, किसी को नहीं। अगर तुम लोगों की लापरवाही से किसी को कानो कान भी भनक लगी कि मैं यहाँ आया हूँ तो? नहीं बॉस, हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। यहाँ गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। उधर बेसमेंट में देख, मैं इधर देखता हूं। ठीक है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.